कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर सवाल बना हुआ है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने इस पर अंतिम फैसला नहीं किया है, सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि थरूर ने अभी अपना मन नहीं बनाया है, लेकिन वे जल्द ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। शशि थरूर ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि वह इस मुकाबले में शामिल होंगे या नहीं। उन्होंने एक लेख में इस बात का जिक्र किया। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। ज़्यादातर नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही जगह मिलनी चाहिए, राहुल गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालना चाहिए। लेकिन शशि थरूर ने जिस तरह से अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने की बात कही है, इसका मतलब ये है कि क्या वो राहुल गांधी को टक्कर देते नजर आएंगे। दरअसल सीधे तौर पर देखा यह जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर काफ़ी समय से बवाल मचा हुआ है, और जिस वजह से कांग्रेस अध्यक्ष पद पर किसे बिठाया जाना चाहिए ये तय नहीं हो पा रहा, और ऐसे में कांग्रेस की हालत लगातार धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।